बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अज असी बनावांगे मछलियां दे सिरे, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल दे नाल। इन्हां दी यखनी कट के फिर असी बनावांगे। ऐसी 1 किलो सिरे ने जिन्हें 6 पीस आए ने, इन्हां नूं असी धो के ते सिरका पा के धोता है। वैसे नहीं धोता क्योंकि इन्हां दी स्मैल नहीं खत्म होंदी। वैसे ते धो के रख लिया, हुण असी इन्हां च पानी पा के इन्हां नूं उबलन वास्ते रखांगे ते उन्नी देर तक असी यखनी तैयार होंदी है तुसीं इहदा मसाला तैयार करदे आं। ये 2 लीटर पानी पा के असी उपर चुल्हे ते चढ़ा दिता है। हुण असी इहदे च मसाले ऐड करांगे। 5-6 लौंग ने, 1 इलायची, यह दालचीनी का टुकड़ा है, तो 1 बादियान दे फुल दी ना 1 कली है, यह जिहड़ी है असी इहदे च ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच इहदे च असी नमक ऐड कर देंगे। इहनूं असी 1/2 घंटे वास्ते छड्ड देंगे फुल फ्लेम ते पकण वास्ते। तो जदों ये सही यखनी बन जाएगी तो फिर ठंडा करके तुम दिखावे कि यह जमदी किस तरह है। इंज लगेगा बिल्कुल कि जिस तरह ये तुम और जिस तरह बाजार वाले का नहीं हूँ गाढ़ा गाढ़ा जमया हुआ शोरबा जी कॉर्न फ्लावर वगैरह पाते हैं या आरा रोड ऐड करते हैं। ज़्यादातर कॉर्न फ्लावर थोड़ा महंगा मिलता है। तो बिल्कुल तुम इंदा दिखा के फिर असं मसाले ऐड करा, ठीक है जी। तो ये तैयार होने तक असं मसाला तैयार करते हैं, तो फिर मिलते हैं दोबारा। देखो हूँ यखनी कितने अच्छे तरीके तैयार हो गई है। ये असी जो सीरिया ने कट लवेंगे, यह थोड़ी थोड़ी बोटी नाल लगी है। बाकी पानी असी पुन लवेंगे और पुनन तो बाद मसाला भुन के फिर ऐड करांगे। बिल्कुल डिफरेंट तरीके दे नाल पकावांगे, जिस तरह नैचुरल तरीके नाल पकदा है उन्हें असी इस दफा पका रहे। 5 सीरियां सी असी सारियां कढ लवेंगे। बाकी जिन्हियां छोटियां वाली हड्डियां ने इन्हां दी हुण यखनी दे निकल आई है, इन्हां नूं शोरबे दे विच जिहड़ा घुमान फिरान दी लोड़ नहीं है। इन्हां नूं असी पुन के हुण सारा कढ देवांगे बाहर, क्योंकि साफ सुथरा शोरबा बिल्कुल कोई हड्डियां जी किरचा जड़िया ने घूमदिया फिर इंजॉय कर दी हुई नज़र नहीं आ गई। यह हूँ 5 सीरियां ने इनिया सारिया बन गई, मतलब शोरबे के सिर्फ इन्ना की खिलारा होएगा, बाकी होर नहीं होएगा। यखनी हूँ असं पुनन लगे हाँ, पुन के असी टोटली जो ना हड्डियां का चूरा चूरा सारा कट देंगे। यह हूँ पुनिया गया ना, पुन के हड्डियां सारिया असी कट दी ने। अगर यह पुनिया ना जाए तो यह शोरबे के तैर दिया फिर होंगे ने। हूँ असी ए ठंडे होने तक क्योंकि दिखावे तू किस तरह जम के जोड़ा ना बिल्कुल आइसक्रीम टाइप बन जाता है। तो यह हूँ असी मसाला तैयार करते उन्नी देर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हूँ असी कढ़ाई चढ़ा दी थी। अद्धा चमचा घ्यो दा ऐड करता, 1 किलो सीरियां सी, 5 या 6 पीस हो गए। ये दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ऐड करते। हूँ यह लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर असं ये लसन अदरक ऐड करेंगे और टमाटर पावे। बाकी चीज़ा नाल ना जोड़ा ना वो दसी जावे और पाई जावे। अज इन्ना टाइम नहीं है सी कि जोड़ा ना वो हर चीज़ अलग अलग दिखाई जा सकती। तो वीडियो पूरी देखिया जाए, हर चीज़ नाल नाल समझाती जावांगी और दसती भी जावांगी, ठीक है जी। यह हूँ साडा प्याज है ना लाइट ब्राउन हो गया। हूँ असी लसन अदरक और हरिया मिर्चा का पेस्ट तैयार किया है, 2 चमचियां ये पान लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इन्हें हम 2 तो 3 मिनट भुन के फिर असी टमाटर ऐड करांगे और नमक मिर्चा पावांगे। यह बज़ाहिर तो एक खुराक है लेकिन हकीकत से ना एक मेडिसन है कि जिन्होंने सिर दर्द कमर दर्द या रेशे के मामला ज़्यादा रहते ना, अगर वो है बिल्कुल सिंपल जी जोड़ा ना वो यखनी पीना शुरू कर लेना तो रब तला करम करता है। ये है मसला कि पीना थोड़ा जिन्ना मुश्किल है कि जो एक रंग बिरंगे चीज़ों के जोड़े आदि ने या कुछ लोगों को वैसे पसंद नहीं होंगी यखनी जी मच्छी की हड्डी की, लेकिन अगर ये पी लिया जाए तो फायदेमंद बहुत ज़्यादा है। ये अजमाया है इस वास्ते दसिया, यह ना समझना कि पता नहीं मेरे को डॉक्टरी जाड़न दे हुई। हूँ साडा लसन अदरक हो गया तो बुनिया गया, हूँ असी टमाटर ऐड करते हैं। यह 2 दरमियाने साइज के टमाटर से जोड़े ये ऐड हुए हैं। हूँ थोड़ा जहाँ भुन के फिर असी नमक मिर्चा वगैरह पा के तो मसाला तैयार करांगे। यह हूँ साढ़े टमाटर भुने गए हैं, हूँ असी मसाले वगैरह ऐड करांगे। तो यह देख लो टमाटर की शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई है,
एक तो असं फ्रीज़ करके दो तीन घंटे रख के फ्रीजर तो इन का छिलका रिमूव किया तो हूँ बुने गए हैं हूँ बिल्कुल मलाई बन गए हैं हूँ असं ये नमक मिर्च ऐड कर रहे हैं। एक चम्मच ये नमक जाएगी और अद्धी चम्मच ये हल्दी जाएगी, अद्धी चम्मच ही काली मिर्च जाएगी और एक चम्मच ये सुरख मिर्च जाएगी। हूँ असं इनू भुन के अच्छे तरीके फिर असं सिरे जोड़े ना मछलियाँ दे ऐड करा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थोड़ा जहाँ इन्हों हम घुमा फिरा लिया नमक मिर्चा हूँ असं ये दो घुट पानी ऐड करते हूँ असं मसाले अच्छे तरीके भुन के फिर ये सिरे ऐड करके उन्होंने भुनांगे। यह हूँ साडा मसाला सही बुनिया गया बिल्कुल घी अलग हो गया ये हूँ असं ये जरिया सिरे रखे असं पान लगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हूँ इन्हों थोड़ी देर भुन के फिर जी यखनी अलग करके रखी से ऐड कर देंगे। यह हूँ सिरे बिल्कुल सही बुने गए हैं हूँ अगर ऐसे भी खाना हो जबरदस्त चीज़ बन गई है लेकिन यखनी में भी ऐड करा दे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हूँ यखनी ऑलरेडी पक्की है इस वास्ते इन बहुत ज़्यादा पकाने की लोड़ नहीं है सिर्फ 10 मिनट इन दावन से रखा ताकि जो यकजान हो जाए सही फिर असी ना चूल्हा बंद करके थानू इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। हूँ साडा सालन बिल्कुल तैयार हो गया हूँ असी ये धनिया ऐड करांगे और गरम मसाला और दो ये हरिया मिर्चा ऐड करांगे इंज करके कट लगाया है ए देखते पे हो इंज करके ना लंबा कट लगाया है ताकि खुशबू इन्हों अच्छे तरीके ऐड हो जाए पूरा लंबा कट लगाया है। तो हूँ असी फ्लेम बंद कर दिता हरा धनिया ऐड करता और हूँ असी गरम मसाला ऐड करांगे एक चम्मच घर का पीसा हुआ गरम मसाला ये ऐड हो गया। ज़बरदस्त किस्म की यखनी बनी जे और लाजवाब टेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी किसी को अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करना और मेरा जी वीडियो शेयर कर दिया करो और नवे देखने वाले साथियों को खसूसी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सबसक्राइब कर दिया करो। बाकी तो सब वास्ते दुआवां हमेशा हंसते वसते रहो आबाद रहो। अस्सलामु अलैकुम।